शिवसमारंभां शंकराचार्यमध्यमां अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपरां शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः श्रुतिस्मृतिपुराणानां आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं। ओम सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। स्थूल शरीर का वर्णन क्या है? मज्जास्थिमेधः पलरक्तचर्मा त्वगाह्वयैर्धातुभिरेवभिरन्वितं पादोरुवक्षो भुजपृष्ठमस्तकैः अंगैरुपांगै उपयुक्तमेतत्। अहम् ममेति प्रतितं शरीरं मोहास्पदं स्थूलमितीर्यते बुधैः। नभो नभस्वद्दहनां बुभूमयः सूक्ष्मानि भूतानि परस्परां श्लैर्मिलितानि भूत्वा स्थूलानि च स्थूलशरीरहेतवः। मात्रास्तदीया विषया भवन्ति शब्दादय पञ्चसुकाय भोक्तुः। ययेषु मूढा विषयेषु बद्धा रागोरुपाशेन सुदुर्दमेन आयान्ति निर्यान्त्यधवोर्ध्वमुच्चैः स्वकर्मदूतेन जवेन नीता। शब्दादिभिः पञ्चभिरेव पञ्च पञ्चत्वमापु स्वगुणेन बद्धाः। कुरङ्गमातङ्गपतङ्गमीन भृङ्गानरः पञ्चभिरञ्चित किम्। दोषेण तीव्रो विषयः कृष्णसर्पविषादपि विषं निहन्ति भोक्तारं द्रष्टारं चक्षुषाप्ययम्। ठीक है, ये सब कल का विषय रहा। तो पहला स्थूल शरीर का वर्णन, सप्त धातुओं से जो शरीर बना है, हम अनेक प्रकार के अंग हैं, पाद और ऊरु, वक्षस्थल, भुज, पृष्ठभाग और मस्तक, इन्हीं सभी भागों से शरीर विराजमान है। ठीक है, और इसमें जो बनाया गया
कुछ कुछ धातुओं के द्वारा, धातुओं से जो शरीर बना है उस शरीर के प्रति अहम भाव और मम भाव, ये तो हास्यास्पद है। हास्यास्पद माने लॉफेबल थिंग, क्योंकि हो ही नहीं सकता। मगर हमारा अज्ञानी, हमारा जो अज्ञान है, इस अज्ञान के कारण जो स्थूल शरीर है उसमें हम बुद्धि और मम बुद्धि को रखते हैं, तो बना कैसा शरीर, तन्मात्राएं हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी परस्पर मिलकर, ये तन्मात्राएं हैं परस्पर मिलकर, भूत्वा स्थूलानित स्थूल शरीर हेतवा, मिलने के बाद इस स्थूल शरीर के कारण बन गए पंचमहाभूत, माने पंचीकृत पंचमहाभूत, मिलने के बाद, मिलाने की मिलावटी, ठीक है। मात्रा तदिया विषया भवंती, वही तन्मात्राएं विषया भवंती, और शब्दादय पंच सुखाय भोक्तु, क्योंकि विषय वस्तुओं को हम भोग के रूप में देखते हैं, इन्हीं भोग वस्तुओं के प्रति हमारा मन भागता है, इंद्रिय भागते हैं, ठीक है। और फिर उदाहरण दिया है कि ययेषु मूढ़ा विषयेषु बद्धा, ये जो मूर्ख है विषयों में बांधा गया है, राग और उपाशेन सुदुर्दमेन, ये राग को दमन करना माने उसका नाश करना, उसको जीतना बहुत कठिन है, कीचता है मन विषयों के प्रति, इसके कारण आयांति निर्यांति, बार बार इस लोक में आना, लोक में आना लोक में जाना जाने की बात ही नहीं है यहाँ पे, बार बार विषय वस्तुओं के प्रति जाना, फिर वापस लौटना, फिर जाना मार खाना, फिर वापस आना, फिर जाना मार खाना, फिर वापस आना, देखिए। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं प्रत्येक इंद्रिय में राग द्वेष बैठा है, प्रत्येक इंद्रिय में माने राग से या द्वेष से हम विषयों को देखते हैं, अनुभव करते हैं, राग द्वेष रहित विषयों का भोगना हमको पता नहीं है, क्योंकि प्रत्येक भोग में या तो राग रखते हैं या न तो द्वेष रखते हैं। अब हिंदी के अनुसार उदासीन भी हो जाओ, वो भी उदासीन तात्कालिक ही है, कुछ क्षण के लिए उदासीन होते होंगे, फिर तुरंत रागी बनेंगे या न तो द्वेषी बनेंगे। तो आयांति निर्यांति माने हमारा ये संसार में विषयों के प्रति भागना, फिर वापस लौटना, फिर भागना, फिर वापस लौटना, एक ही भोग, ज़्यादा भोगने के बाद डर के मारे हम छोड़ देते हैं, फिर उस समय के बाद, कुछ समय के बाद उसी वस्तु के प्रति फिर हम भागते हैं। नहीं, ये देखिए आध्यात्मिक साधक को ये जरूरी करना है, बोले या ना बोले, कोई बोले, गुरु बोले या ना बताए, मगर अपने आप को, अपना व्यवहार कैसा है, मन में किस तरह के भावनाएं उठते हैं, अपने आप को पढ़ना, उसको कहते स्वाध्याय। स्वाध्याय माने केवल किताब पढ़ना नहीं होता है, स्वस्य अध्ययनम अपि च, माने अपने बारे में जानो, मेरा मन कहाँ खींचता है, किस वस्तुओं के प्रति मेरा मन मुझे ले जा रहा है, ये सब विचार, माने सावधान रहना तो ये जरूरी है। तो स्वकर्म दूत है न जीवन, और स्वकर्म करके जो दूत बनता है, स्वकर्म दूत, देखिए ये संसार में आना जाना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि किए गए कर्मों का फल है, कर्म ही ढोता है हमको, ढोल कर ले जाता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इस समय आज आप कहीं भी अन्य जगह पे नहीं रहना है, इसलिए आपको कर्म, अपना कर्म आपको यहाँ पर ले आया, जिस दिन आप नहीं आ सका उस दिन माने आप
को आना ही नहीं था, आपको आना ही नहीं था माने आप स्वतंत्र नहीं हैं। कर्म आपको कई दिशा में लेके, किसी दिशा में और अन्य किसी के दिशा में ले गया आपको। हम समझते हैं स्वतंत्र, हम स्वतंत्र हैं। महात्मा लोग इशारा देते हैं जो अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं वास्तव में वह स्वतंत्रता नहीं है, ये परतंत्र ही है। तो प्रकृति के अनुसार व्यवहार करते समय भी हम अपने आप को स्वतंत्र मानते हैं, यही बेवकूफी है, ये जरूरी है। तो उदाहरण दिया है एक एक जानवर का, एक एक जंतु का, कौन सा है? कुरंग, मातंग, पतंग, मीन, भृंगा। जो हिरण है शब्द से आकर्षित होकर अपना नाश को प्राप्त होता है, मातंग हाथी स्पर्श के द्वारा, और पतंग रूप के द्वारा, मीन भृंगा स्वाद, ठीक है, नाक के द्वारा। तो मीन भृंगा कहीं खुशबू खींचता है, खुशबू खींच कर वो स्वाद लेते लेते बंद पड़ जाता है, उसमें मर जाता है। खिले वो पुष्प के अंदर जाना, फिर रात को बंद हो जाता है पुष्प, ये मत्त हो जाता है, मत्त हो, हनी पी के मधु पी के फिर मत्त में पड़ जाता है, मर भी जाता है, बाहर निकलता नहीं, निकल नहीं सकता। और भगवान क्या कहते हैं मनुष्य के बारे में, क्या बताए, जिनमें ये पांच इंद्रियां बहुत प्रबल हैं, इसकी गति क्या होगी सोचिए। इसलिए देखिए सब व्यक्ति में एक एक इंद्रिय प्रबल होता है, कुछ कुछ लोगों में, कुछ लोगों को खाने में शौक, कुछ लोगों को सुनने में शौक, कुछ लोगों को देखने में शौक, एक ही शौक होता है, चारों बाकी चार इतना प्रबल नहीं है, इसकी अपेक्षा एक इंद्रिय की अपेक्षा बाकी चारों का इतना प्रबल नहीं होते वो इंद्रिय, फिर भी एक ही प्रबल इंद्रिय के कारण ये सारा जीवन व्यतीत कर देता है, उसी में दुख भोगता है ज़्यादा, उसमें सुख भोगता है, उसमें पड़ा रहता है। उदाहरण में भाई उदाहरण है तो देखने वाले हैं ना, दे आर कॉल्ड टूरिस्ट, यात्री लोग हैं। कई लोग हैं कि दुनिया में इतना पैसा खर्च करते हैं, कष्ट उठाते हैं, घूमते रहते हैं, वो देखना है, ये नहीं देखा, उधर देखा नहीं, इधर देखा नहीं, एक जगह में बैठ नहीं सकते। कई लोग हैं, कई लोगों को देखा हूं मैं जीवन में, मैं आक्षेप किसी का नहीं कर रहा हूं, बस जैसे वृत्ति का देखो, वृत्ति गए किसी को कहता है मैं सुंदर दृश्य देखना चाहता हूँ हिमालय के, और तो क्या किया उन्होंने, बद्री केदारनाथ से बद्रीनाथ पैदल चले, एक मार्ग है ऊपर से, ये सुंदर दृश्य, बहुत सुंदर दृश्य, क्या देखना है। खाने के शौक वाले बहुत लोग हैं कि नहीं बताइए, घर घर में होते हैं कम से कम एक सैंपल, एक ही इंद्रिय ज्यादा काम करने के कारण उसी में फंस जाते हैं। फिर पांच इंद्रियां हैं, हम चारों पांचों पांच प्रबल है माने सब में पांच प्रबल है, जब भूख लगती है तो फिर रसन इंद्रिय खींचता है, इसलिए एक इंद्रिय प्रबल होने से ही मनुष्य में इतना सत्यनाश हो जाता है आदमी का, फिर पांच इंद्रिय हैं। इसलिए ये इंद्रियों को नियंत्रण में लाना जन्म जन्म लग जाते भैया, ये शांत नहीं बैठते हैं इंद्रियां, उठना दौड़ना एक साथ ही होता है, जैसे हिरण उठकर दौड़ता नहीं, उसका उठना ही दौड़ना है। देखिए
उठकर दौड़ना नहीं, कहने के लिए कह सकते हैं उठा दौड़ा, और उठना दौड़ना एक ही है, इंद्रिय भी ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं आचार्य, दोषेण तीव्रो विषय कृष्ण सर्प विषादपि। देखो विषय के दोष से बहुत ज्यादा माने तीव्र है दोष। क्यों विषय दोष, क्यों कृष्ण सर्प विषादपि, कैसे दोष भयंकर है। पॉइजन इज मोर पावरफुल देन द पॉइजन ऑफ द ब्लैक सर्पेंट। कहा जाता है जब काला काला सर्प, काला सर्प आपको काटता है ना तुरंत मर जाओगे, नहीं अत्यंत कम समय में भयंकर विष चढ़ जाता है पूरा शरीर में, मैंने काटने पर ही चढ़ता है, विषय वस्तु देखने से चढ़ जाता है। ये भयंकर चीजें है कि नहीं। इसीलिए महात्मा लोग कहते हैं देखो मत दुनिया की ओर, ठीक आप देखें आगे बढ़ेंगे। विषयाशा महापाशात यो विमुक्तः सुदुस्त्यजात स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यशास्त्रवेद्यपि। विषयाशा महापाशात् यो विमुक्तः सुदुश्चजात् स एव कल्पते मुक्त्यै नान्यशास्त्रवेद्यपि। आहा ब्यूटिफुल थिंग। विषय आश महापाश, विषय रूपी आशा, ये क्या है महापाश है। महापाश माने पाश क्या करेगा, बांध के रखेगा आपको, हिलने नहीं देगा। तो विषय पाश जो है ये महापाश है। आशा विषय वस्तुओं के प्रति जो आशा है वही महापाश है। तो आशा ही पाश है, बांध के रख देता है अपने आप को, हमको विषय वस्तुओं के साथ बांध के रख देता है। इसलिए देखिए मैं बार बार मैं कहते आया हूँ, हम सबको ये मालूम होना चाहिए घर में भी किन किन वस्तुओं के प्रति हमारा प्रेम ज़्यादा है। ये पता लगना मुश्किल है भाई, क्योंकि जब तक वस्तु सामने है हम कितना प्यार है मोह है उस वस्तु के साथ पता नहीं लगता। कोई उठाने ले आया तब पता लगेगा। ये भी बहुत कठिन है, जब तक सामने वस्तु पड़ी है, हमारे सामने है, मौजूद है, दर्शन दे रहा है, हम कहते हैं मेरा कोई मोह नहीं है स्वामी जी, बिल्कुल नहीं है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि कहने वाले कई लोग मिलते हैं हमसे, आई डोंट हैव एनी डिजायर फॉर एनीथिंग, बाहर आते हैं चप्पल गायब हो गया, बस हमको आपसे बोलने की स्वामी जी आश्रम को संभालना चाहिए आपको ठीक से। मैं वॉचमैन बनूं चपरासी बनूं फिर, नहीं नहीं आपको गार्ड को बोलना चाहिए था आपको, हुआ क्या मेरे चप्पल गया। अब इससे पहले क्या कहा, तुरंत वो सही है स्वामी जी मगर ना ये मैं ऑब्जर्व करते रहता मैं अपने आप को। ये है पाश, ये अद्भुत पाश है कि नहीं,
ऐसा पाश है हमको पता ही नहीं लगता कि हम पाश में पड़े हैं। पाश में बंधन में पड़ा है हमें पता ही नहीं लगता। कोई जबरदस्ती रस्सी से बांधा हमको पता लगता है कि हम बंधन में पड़े हैं, ये विषय पाश पता ही नहीं लगता। तो इसीलिए विषय आश महापाशात, इन पाशों से विमुक्त होना बहुत कठिन है। क्या क्या क्यों कठिन है? इसीलिए कि किन किन वस्तुओं के प्रति हमारा प्यार ज्यादा है, मोह ज्यादा है, वे हमें पता नहीं, वह मोह के बारे में हमें पता नहीं। तो यो विमुक्तः, जो इस बंधन से मुक्ति पाता है, किस बंधन से? पाश बंधन से, जिस बंधन के बारे में पता नहीं लगता, पता करना मुश्किल है, क्योंकि जब चीज दूर हो जाते हैं हमसे तभी हमको लगता है कि ये दुख हो जाता है, दुख। तो इसीलिए, क्योंकि इसीलिए कहा गया सुदुष्ट जात, इनको त्यागना बहुत ही कठिन है। विषय वस्तुओं को, जो प्राप्त किए गए वस्तुओं के प्रति हमारी लालसा जो होती है उसको कहते हैं राग। मैंने कल कहा अप्राप्त वस्तुओं के प्रति हमारी जो इच्छा होती है वो इच्छा कहते हैं, कामना है, कामना कहते हैं उसको, प्राप्त करने के लिए। तो इस राग को त्यागना सुदुष्ट जात, वो बहुत कठिन है त्यागना, क्योंकि आप छुड़ाना चाहते हैं शायद, मगर वो छोड़ता नहीं। सयेव कल्पते मुक्ते, जिसने इस दुस्तर दुस्ता दुस्त्याज्य पाश को छोड़ देता है, विषय आशारूपी पाश को जो त्यागता है, छोड़ता है, सयेव कल्पते मुक्त्यैहि, वही मुक्ति के लिए अधिकारी बनता है। तो मुक्ति के अधिकारी कौन है? पहले तो कहा गया वैराग्य, अभी तो वही बात फिर दूसरे ढंग से बता रहे हैं कि भैया ये आशा से दूर हो जाओ। आशा क्या होते हैं एक्चुअली, क्या होती है आशा? आशा माने कल्पना, एक कल्पना ही आशा का आधार है। देखिए, ये इस वस्तु के बिना मेरा रहना असंभव, ये कल्पना है। ये कल्पना के कारण उस वस्तु के प्रति आशा बढ़ जाती है, मोह बढ़ जाता है। तो आशा का आधार क्या है? इमेजिनेशन। अब जरा सोचिए, नहीं नहीं मैं वो साड़ी पहन के जाने वाली थी शादी में, वो खूबसूरत साड़ी, अच्छी साड़ी थी, वो साड़ी मुझे नहीं मिला समय पर, मैं दूसरे साड़ी पहन के गई, लोग क्या सोचेंगे? ये पागलपना है कि नहीं? लोगों को ये कैसा पता चलता है कि तुम्हारे पास दूसरी साड़ी है, वो पहन के जाना चाहती थी, वो इससे भी बहुत खूबसूरत है। कोई घर घर की कहानी भई है, तो क्योंकि जब चाहिए वो चीज़ नहीं मिलती है तब पता आ रहा बाहर आ जाता है मोह कितना है। भाई ये साड़ी पहन के जाओ, नहीं नहीं वो साड़ी चाहिए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, सबके ऊपर गुस्सा करो, गाली भी दे दो, डांटो, नौकरों को डांटो, इधर उधर घर पूरा नरक बना दो, फिर भी नहीं मिला, शायद पार्टी का समय हो रहा है,
पहन के तो गए हैं मगर उन्होंने दुखी दुखी होकर इसलिए वन बाल यूर चाइल्ड केम सेवेंथ एट्थ क्लास पढ़ रही होगी पता नहीं, मैं देख के मैंने पूछा कि दुखी क्यों हूँ, रोने लगी, बोले क्यों मम्मी डांटी मम्मी ने डांटा, तो मम्मी ने क्यों डांटा, बोले जल्दी नहीं उठा क्यों क्लास के लिए तो लेट हो गए थे 10 मिनट, मुझे मम्मी डांटा इसलिए मैं रो रही हूँ हम भी रो ऐसे रो रहे हैं। तो इसे दुश्चात जात, इट इज डिफिकल्ट टू गिव अप दिस आशा, मोह इज देयर नो, बहुत मुश्किल है। इसीलिए सयेव कल्पते मुक्ते, जो दुस्तर मोह को आशा रूपी पाश को छोड़ दिया वही मुक्ति का अधिकारी बनता है। नान्य शास्त्र वेद्यपि, भाई छह शास्त्र आपने पढ़ ली, दर्शन शास्त्र, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, योग, सांख्य, सब शास्त्र, वेदांत, सारे जो छह शास्त्र है दर्शन शास्त्र पढ़ ली, रट ली, समझ में भी आ गया होगा आपको, मगर ये आशा नहीं छोड़ षट शास्त्र वेद्यपि, ओहो सांख्य में निष्णातत्व, योग में निष्णातत्व, फिर भी आश्रम के प्रति मोह, गाड़ी के प्रति मोह, क्या क्या मोह पता नहीं जीवन में। किसी का किसी की इच्छा हुई थी कई साल पहले एक आध्यात्मिक गुरु के, मेरे पास 100 गाड़ियाँ होनी चाहिए, 100 गाड़ियाँ, नई नई गाड़ियाँ, वो खरीद के रखा भी है 100 गाड़ियाँ रोल्स रॉयस, नाम नहीं लेना चाहता हूँ, सभी महात्मा लोग हैं, पर तो क्या एक एक बहुत हो गया, सब पता नहीं कहाँ कहाँ फंस गया। किसी भी प्रकार का आशा रूपी पाश को हम, मैं तो नहीं देखा गुरुदेव में, न धन के प्रति, न आश्रमों के प्रति, न शिष्यों के प्रति, किसी के प्रति मोह नहीं था उनके मन में, कोई आशा नहीं थी। विमुक्त पुरुष, मुक्त पुरुष थे वो, कोई जाना चाहता है तो जाओ, आशीर्वाद है, बड़े महात्मा। वो खेलने खेल खेल खेलने आए हैं, एक बड़ा खेल खेल के चला गया। कई लोगों को नाम के प्रति नाम पाशा, मेरा नाम होना चाहिए, मैं मुझे एक एक साधक है भैया, साधक है तो ठीक है, कोई मैसेज आता है अपने आप को महामुनि कह लेते हैं, महामुनि नीचे सिग्नेचर मैसेज के नीचे महामुनि सो एंड सो, मोह ने तो क्या है, महामुनि क्या है, ये भी मोह, यही पाश है। कई लोग ये पाश, आज नाम रूपी पाश जो है, मैं सबको सबके साथ दुनिया में मेरा नाम रोशन में होना है, आना है, अच्छा इसके लिए क्या करते हैं, एक माध्यम क्या, सोशल मीडिया। मैं एक महात्मा जी से, गृहस्थ महात्मा जी थे, मैं बड़े महात्मा जी हैं वो भी, वो नहीं है, उनसे पूछा मैं, आपके पास इतना ज्ञान है, इतना अनुभव है, योगी है, अंदर बात ही ज़्यादा नहीं करते किसी से, आप भी एक अच्छा किताब लिखो। उन पता है क्या कहा उन्होंने, अभी तक दुनिया में लाखों किताब पढ़ी है वो काफ़ी है, मेरे द्वारा और कोई लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ब्यूटीफुल, लाखों किताब पढ़ी है, लिखने दो लोगों को, लिख रहे हैं, कुछ कुछ लोगों को किताब के प्रति मोह, कितना छापा, इस साल एक किताब भी छापा नहीं मैंने, छपी नहीं एक किताब भी छपी नहीं, ये एक मोह है।
इसीलिए प्रभु ये आशा मोह जो है आशा पाश से जो दुस्तर है ये त्यागना कठिन है, तो भी जिस महात्मा ने उसको त्याग देता है साधक वही अधिकारी बनता है। नान्यः शास्त्र वेद्यः अपि, चाहे शास्त्र पढ़ लो, दर्शन शास्त्र पढ़ लिया तो भी कोई फायदा नहीं है। मैं गीता पढ़ ली, रामचरितमानस पढ़ ली, भागवत सुन ली, बहुत कुछ मैंने पढ़ लिया, मगर ये मोह नहीं जाता है। आशा पाश आशा पाश शतैर्बद्धः, इसीलिए ठीक है। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून, भवाब्धिपारं प्रतियातु मुद्यतान, आशाग्रहो मज्जयतेऽन्तराले, मज्जयतेऽन्तराले निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। आपात वैराग्यवतो मुमुक्षून, भवाब्धिपारं प्रतियातु मुद्यतान, निगृह्य कंठे विनिवर्त्य वेगात्। ये बहुत ही हमारे लिए, सब साधक के लिए बहुत उपयोगी श्लोक है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं आपात वैराग्य, आपात वैराग्य माने जो वास्तविक वैराग्य नहीं है, दिखावटी है, ठीक है। प्रतीयमान बोलते, प्रतीयमान मतलब दिखता है, वैराग्य दिख रहा है। जटिलो मुंडी लुंचित केश काशायांबर बहुकृत वेश तदपि न मुंचते आशा पाश। भगवान कहते हैं ना, भज गोविंदम गोविंदम भजम। ये प्रतीयमान वैराग्य, जान से सुनिए, प्रतीयमान वैराग्य वैराग्य नहीं है, मगर वे अपने आप को समझता है कि मैं वैराग्यवान हो गया हूं। पूर्ण वैराग्य के बिना कई लोग, साधक लोग हैं, सारे जीवन अपने जीवन को बर्बाद करके बैठा है, खतरे में पड़ गए, वापस नहीं लौट सका, जीवन पूरा नष्ट हो गया। क्यों? आपात वैराग्य के कारण। आपात वैराग्य प्रतीयमान, प्रतीति, प्रतीति माने दिखता है, वास्तविक नहीं है, प्रतीयमान वैराग्य। क्यों? क्योंकि भावुक होकर अधिकारी पूर्ण रूप से बने बिना, पूर्ण रूप से अधिकारी बने बिना, पूर्ण रूप से तैरना आए बिना, सीखे बिना, अच्छे ढंग से तैरना सीखे बिना, पहला 2-3 दिन क्लास में गया, अपने आप को समझ लिया कि मैं सीख लिया हूँ तैरना पानी में और समुद्र को पार करने, समुद्र के अंदर प्रवेश किया, बेवकूफ है कि नहीं? और फिर बाद में पता चला कि मैं अधिकारी नहीं हूं, पार नहीं सका। जो जल जंतु होते हैं, कई जल जंतु होते हैं, ग्राह होते हैं, ग्राह मच क्या बोलते हैं, क्रोकोडाइल्स होते हैं, मगरमच्छी, वो खा लेता है। इसीलिए वैराग्य के बिना, पूर्ण वैराग्य के बिना, प्रतीयमान वैराग्य से जो मुमुक्षु होते, मुमुक्षु है पर उसमें वैराग्य पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं हुआ, उनको भावुक हो गए,
और आश्रम चला गया संन्यास लेने। वहां पर भी झगड़ा बिगड़ा, शांति नहीं मिलती, ना खुद शांति में रहता है, दूसरों को रहने देता है। झगड़ा 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 झगड़ा। इसीलिए प्रतीयमान वैराग्य, ये वैराग्य कैसा संभव, प्रतीयमान वैराग्य क्यों होता है? एक होता है प्रसूति वैराग्य, स्त्री को लगता है कि फिर कभी मां नहीं बनना है, प्रसूति में, प्रसूति गृह में ये दुख जो है, जन्म देना बहुत दुख होता है। वैराग्य तात्कालिक है, और स्मशान वैराग्य, घाट पर गया, शमशान घाट पर देखा, फिर सोचा कि ये सब जीवन बेकार है, क्या बात है। वैराग्य, प्रतीयमान वैराग्य, दो तीन दिन रहेगा, चौथा दिन उसका चौथा, इसका चौथा अलग है। जो जीवित है उसका चौथा अलग है, जो मरा है उसका चौथा अलग है। इसका चौथा क्या होता है, बोला समय नहीं होता चौथा के लिए। तो मरा मरा मरने दो भाई, मेरे काम तो बहुत है, मैं कहां जाऊं बार बार। ये तो स्मशान वैराग्य हुआ। और कभी देखिए, कभी किसी में आपका नुकसान हुआ, व्यापार में नुकसान हुआ, एग्जाम में, परीक्षा में पास नहीं हो सका, उत्तीर्ण नहीं हो पाया, तो वैराग्य आता है कि जीवन निर्भर। रोग में वैराग्य होता है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं है, रोगी बन गया, तो हमको लगता है कि वैराग्य। तो आपको जब रोग होता है, वैराग्य होता है कि नहीं होता है? होता है। एग्जाम में फेल हो गए, वैराग्य होते हैं, और जीवन भी अंत कर लेता है। नुकसान हुआ व्यापार में, सन्यासी क्यों बना? बस व्यापार में नुकसान हो गया, और वो सन्यासी बनने के बाद आश्रम में धंधा शुरू कर देता है, क्योंकि वासनाएं, जबरदस्त वासनाएं है ना व्यापार करने का, बिजनेस का, तो वहां पे शुरू कर देता है जड़ बूटी, तो भक्तों को बेचता रहता है, कपड़े लाल लाल कपड़े पहनकर बैठे हैं, मगर बेचता क्या है, ये सब दवाइयां, साबुन, और बताते हैं देखिए मैं आश्रम को इतना लाभ लाया हूं। बेचने के लिए संन्यास लिया है क्या? बोलते मेरी सेवा है, सेवा नहीं मोह है, वासनाएं थी इसलिए ऐसा व्यवहार कर रहे हो। तो भैया ये सब प्रतीयमान वैराग्य है। बस उदाहरण काफी हो गए कि नहीं? पति या पत्नी डांटते हैं, फिर घर से निकल जाता है दो घंटे के लिए, घूम फिर के जब भूख लगती है फिर वापस आ जाते हैं, माँ कहाँ गई हो, बस ऐसे घूमने गई हूँ। थोड़ा देर के लिए वैराग्य होता है, थोड़ा क्षण के लिए, ये घर तो नरक है, कहाँ से मैं आ गया हूँ, निकलो घर से, एट द एंड ऑफ द स्ट्रीट ही विल टर्न बैक, क्योंकि आगे रास्ता ही नहीं मालूम उनको कहाँ जाना है। ये कहते हैं इसको प्रतीयमान वैराग्य। तो इस प्रतीयमान वैराग्य मोक्ष जो है वो भवाब्धि पारम प्रतियात मुज्जतान, इस भव अब्धि, भव सागर को पार करने के लिए उद्युत हो गया हो, वैराग्य नहीं है, वास्तविक वैराग्य नहीं है, और कूद पड़ा सागर में तार तैरने के लिए, फिर क्या होगा इसका हालत? आशाग्रह मुज्जयते अंतराले, बीच में आशारूपी ग्रह जो है माने मगरमच्छ क्या करेगा, उसको पकड़ लेगा, कैसे पकड़ेगा, निगृह्य कंटे,
गला पकड़कर दबाकर कीचकर विनिवर्त्य वेगात, कि वेग से आशारूपी ग्रह जो है, मगरमच्छ जो है, उस कंठ में पकड़कर तीव्र वेग से और भी गहरे अंधकार में ले जाकर उसको मार देता है। तो आशारूपी ग्राह जो है भयंकर चीज है, इसीलिए पूर्ण वैराग्य के बिना संन्यास ग्रहण करना या आध्यात्मिक साधक तीव्र साधनाएं करने के लिए प्रयास करना, घर का काम छोड़ना, ये ठीक नहीं है। मगर सबको आवेश है, आवेश। हाँ, नोएडा के अंदर ही कई लोग कहते हैं, स्वामी जी बहुत हो गया, बहुत नौकरी कर लिया मैं, बस मैं अभी निवृत्त होना चाहता हूं। फिर मेरा प्रश्न क्या है, बच्चे हैं, है, पत्नी है, है, तो कहां जाओगे? तो बस नौकरी छोड़ना चाहता हूं, मैं कहीं नहीं जाना चाहता हूं, नौकरी छोड़कर घर पे बैठकर ध्यान वान करता हूं। ठीक है, खाना कौन खिलाएगा? पैसा कहां से आएगा? बच्चों की पढ़ाई के लिए कैसा हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए? घर को संभालना है, घर का टैक्स भी भरना है साल में एक बार, ये सब क्या करोगे? कम से कम 30 साल और 25 साल तुमको काम करना है मिनिमम। हाँ जी, करना है। 25 साल काम करने के लिए कितना पैसा चाहिए? जरा उतना पैसा है क्या आपके पास? गणना करो, गिनती करो, कितना कितनी आवश्यकता है, कितना चाहिए आपको? इन्फ्लेशन पे देखना है तो हाँ, फिर मुश्किल है। तो फिर ये आवेश में क्यों बढ़ते हो? फिर मैं क्या करूं? नौकरी करो। एक ब्रह्मचारी हुआ था, सद्भर में पढ़ रहे थे, मैंने सुना है 81, 82, 83 गुरुदेव जब थे, 87 पता नहीं कब, बहुत साल, वो उनके पिताजी मेजर थे, आए मेजर या कर्नल कोई थे, उनका पुत्र। एक दिन उनको भावावेश आ गया है कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्म ही बना पर, सब कुछ परमात्मा ही है। अत्यंत तीव्र वैराग्य, प्रतीयमान वैराग्य प्रवेश हुआ, आश्रम छोड़ दिया, चढ़ने लगे धौलाधार माउंटेन्स। अकेला कितना दूर जाएगा, कहाँ जाएगा? गए 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 कहीं बेहोश होकर पड़ गए। तो आर्मी वाले, उनका जो काम होता है काम पर चढ़ने, किसने देखा कि ये तो पीले कपड़ा सफ़ेद कपड़ा पहनकर चोटी है भी है, ब्रह्मचारी दिख रहा है, पड़ा हुआ इधर व्यक्ति, ये आश्रम का हो सकता है शायद। पहले हॉस्पिटल भर्ती करके फिर स्वामी जी को, गुरुदेव को बताया कि ऐसे आपके ब्रह्मचारी, वो तो गायब हो गया दो तीन दिन से, पता नहीं किसी को कहाँ गया। तो गुरुदेव उनको बुलाया वापस, अच्छा खाना खिलाया, पैसा दिया, तुम जाओ घर, यू आर अनफिट फॉर वेदांत। भाव आवेश में कब पढ़ना नहीं, कभी पढ़ना नहीं। कई लोगों को देखता हूं, कई लोग ऐसे हैं, पर जाओगे कहाँ? तुम्हारा कर्म वासना छोड़ते नहीं, तो किसको छोड़ सकते हो बताओ? जिसको छोड़ना है उसको छोड़ो। किसको छोड़ना है? पत्नी पति को, बच्चों को? नहीं छोड़ो, दम में है तो उसको छोड़ने के लिए कहां जाओगे? जो जहां जहां जाओगे लाइक ए वोडाफोन डॉग, द डॉग फॉर नेटवर्क फॉलोज यू वेयर एवर यू गो, वासना से फॉलो, कहां जाओगे? बेवकूफी है। जिसको चोट त्यागना है त्यागो, वो जाग नहीं सकते हैं। हम सोचते हैं हमारा बंधन पति है, पत्नी है, घर है, आश्रम है, कोई बंधन नहीं है वास्तव में।
मुझे भी लगता है कि सुबह शाम क्लास लेना बड़ा बंधन है, सच कह रहा हूँ। कभी कभी लगता है कि कितने बार पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ ये सब। मुझे भी कभी लगता है कि why can't I keep quiet? संभव नहीं है। वासनाएं हैं, खुजली थी पहले, पिछले जन्म में बोलने की इच्छा थी, पिछले जन्म हुआ, बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, घूमते जाओ बोलते जाओ घूमते जाओ। तो जब तक वासनाएं हैं, इसलिए प्रतीयमान वैराग्य के चक्कर में मत पड़ना, ये भयंकर है। मज्जयते, मज्जयते माने डुबा देता है, अंतराले माने बीच में, बीच के सागर में गला पकड़कर अंदर खींच कर बलपूर्वक अंदर, अंदर किस तरह सागर के अंदर नीचे की ओर। विनिवर्त्य वेगात, निकल कर वो आता है कहाँ से, पाश बाहर आता है, ऊपर आता है, आपको ले जाएगा खींच कर अंदर, कहीं ले जाके आपका सत्यनाश करके छोड़ देता है। इसीलिए तृतीयमान वैराग्य मुमुक्षु को सावधान रहना पड़ेगा। फिर पूंजी क्या है, पूंजी क्या है, वैराग्य। कौन सा वैराग्य, असली वैराग्य ही पूंजी है। मीरा गाते ना, पूंजी है भगवान राम जी का नाम ही पूंजी है, राम नतन धन पायो, जन्म जन्म के जन्म जन्म, वो कहते जन्म जन्म से मैं करते आया हूं इसलिए पूंजी पाई हूं। अभी ये जन्म का नहीं है, ये तुकाराम जी कहते हैं एक अभंग में, मेरे अभंग नहीं मालूम, गुरु जी से मैंने सुना, जब फ्लाइट में आ रहे थे दोनों तो बैठ के कुछ गुरु जी एक अच्छी बात कही, गुरु जी ने कहा कि अब एक अभंग में तुकाराम जी कहते हैं मैं यहाँ का नहीं हूँ, वैकुंठ का हूँ, वैकुंठ से मैं इधर काम के लिए आया हूँ, ये मेरा लोक नहीं है, ऐसा गाया है। इसका मतलब उनको भेजा गया, वो भेजा गया किसके द्वारा, भगवान के द्वारा भेजा गया दुनिया में कुछ काम करके आओ, इसलिए आए। वो खुद खुला कह रहे हैं मैं इस लोक का नहीं हूँ, मेरा लोक ऊपर है, वहां से मैं आया हूं, इसलिए उनको ले जाऊं, विमान भी आ गया तुकाराम जी के। तो विषय क्या करना है, विषयाख्य ग्रहो ये सुविरक्त्यसि नाहतः सगच्छति भवां भोदेः पारं प्रत्यूह वर्जितः। विषयाख्यग्रहो येन सुविरक्त्यसि नाहतः हिंदी किताब में रव्य है, वहां पे रव्य नहीं ख्या, क्या है वो विषयाख्य, विषयाख्य ग्रह नॉट विषयारव्य, ठीक है, वो क्या है, ख्याति में क्या, सेकंड खा का खा। अच्छा, विषय रूपी, विषय नामक मकर, विषयाग्रहो येन, तो फिर ये मकर क्या हुआ अभी, मकर क्या है, विषय रूप पाशी मकर ना, वही विषय ग्रह, पिछले श्लोक में देखा ना, विषय रूपी ग्रह मगरमच्छी जो मकर क्या करेगा, हमको ले जाएगा अंदर पकड़कर, उसको फिर कैसे काटना है, उसे बचना चाहिए ना हमको। तो कहते हैं विषयाख्य ग्रह ये ना, जिसके द्वारा विषय नामक मकर को सुविरक्ति असिनाहतः, सुविरक्ति सुष्टु विरक्ति,
भली प्रकार का वैराग्य विरक्ति नो रक्ति विगतः रक्ति तो रमने की इच्छा रक्ति है, विरक्ति इंद्रियों में इंद्रिय सुख में विषय भोगों में रमने की इच्छा जिसमें खत्म हो जाती है पूर्ण रूप से और उसमें कभी फिर डोलायमान नहीं होता, वैराग्य स्थिर हो गया, उसको कहते हैं सुविरक्ति। जैसे कि हम सबको हम सब में सुविरक्ति है, किसके प्रति? चॉकलेट के प्रति, आइसक्रीम के प्रति सुविरक्ति है कि नहीं? कम से कम मैंने यानी तो आइसक्रीम चॉकलेट गलत एग्जांपल है, खिलौना एक टॉय के प्रति सुविरक्ति है कि नहीं? अभी गर्मी के मौसम में आइसक्रीम उदाहरण दिया हूं गलती से, तो आइसक्रीम के प्रति नहीं, खिलौने के प्रति एक टॉय के प्रति हमारा वैराग्य है कि नहीं? वो वैराग्य स्थिर है कि नहीं? अस्थाई है, अस्थाई है, स्थाई है। मैंने कभी भी आपको इच्छा नहीं होगी जीवन में, इस जीवन में उसके प्रति खिलौने के प्रति इच्छा नहीं होती है, क्योंकि आप पूर्ण रूप से मालूम हो गया आपको उसमें कुछ नहीं है, सुख नहीं है, भोग नहीं है, रस नहीं है, लाभ नहीं है। तो इसीलिए इस भाव को आपने आपके अंदर दृढ़ हो गया, यह भाव पक्की हो गई, तो इसलिए आपको आपके अंदर विषय वस्तु में खिलौने के प्रति सुविरक्ति है। अच्छा, अब सुविरक्ति रूपी असिना वैराग्य रूपी खड्ग के द्वारा आशा नामक मकर को काटना है, मारना है। इसका मतलब क्या है? ये एक ही साधन है, ज्यादा साधन कुछ करेंगे? असंग शस्त्रेण दृढ़ेण चित्वा बस। कैसे पार करना है संसार को? कैसे? बस असंग रूपी, इसी को और गहरे रूप में गहरे भाषा में मांडुक्य उपनिषद में बताते हैं गौड़पाद जी। वे क्या कहते? अस्पर्श योग। अस्पर्श माने मन में स्पर्श नहीं होना है, मानसिक स्पर्श, भौतिक स्पर्श होगा ही। मनोस्पर्श नहीं होता, मन में स्पर्श नहीं होता। जैसे कि फिर भी आप में कहते हैं ये उदाहरण, आप खिलौने की दुकान में जाओ, सब कुछ आप देखो, तरह तरह के खिलौने होते हैं, उसका मजा तो आप लेते हैं, आपके मन में स्पर्श नहीं होता, लालसा नहीं होती, इच्छा नहीं होती। उस खिलौने के स्वप्न को सपने में आप नहीं देखते हैं, बच्चे देखते हैं सपने में, उठ के बोलते हैं डैडी एस्टरडे ऐसा दैट डॉल आल्सो नो, डैडी सोचा भूल गया होगा बच्चा, मगर सपने में उसको याद आ गया, सुबह सुबह पूछते वो भी खरीदना है, क्योंकि स्पर्श होता है वहां पे मन में। हम भी अस्पर्श हैं, किसमें? श्रवण में, सत्संग में अस्पर्श है। तो कुछ भी हो जाओ तो स्पर्श हो, सबसे परे हो मैं स्पर्श, बेकार चीज में स्पर्शित है। इसीलिए भगवान कहते हैं वहां पे, यहाँ पे वांडुक में स्पर्श योग, असंग शस्त्र। अरे देखिए आप फिर इसका, हम असंगी है या संगी है, इसका प्रमाण क्या है? हम संगी है या असंगी है, इसका प्रमाण क्या?
पता चल जाता है आपको। कैसे? जहां जहां दुख होता है, जिस वस्तु के कारण या परिस्थिति के कारण, माहौल के कारण या वातावरण के कारण, व्यक्ति के कारण, घटना घटी उसके कारण, जो भी है, जब आपको दुख होता है, जिसके वजह से आपको दुख हुआ, उसके प्रति माने जो कुछ भी है, व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, माहौल जो भी है, उसके प्रति आपको क्या है? मोह है। वह आपके प्रति आपका अपना संग भाव है। आप संगी है। जहां संगी है, संग है, वहां दुख है। छोटा से बत उदाहरण देता हूं आपको कि किसी ने कहा कि मैं आपको शाम को आपके घर में 6 बजे मिलूंगा। वो खास व्यक्ति है, प्यारा है, वो नहीं आया, दुख हुआ। क्यों होता है? संग के कारण। और किसी ने कहा होगा, जिस व्यक्ति के प्रति आपका संग इतना नहीं है, वो बोला कि मैं 6 बजे आके मिलूंगा, बाबूजी मिलूंगा 6 बजे। हाँ मिलो, शाम को मिलो। मिला नहीं, कोई दुख नहीं होता। सच कह रहा हूं कि नहीं? मैंने वो व्यक्ति आए ना आए, हमारा बिगड़ा कुछ नहीं, बिगड़ेगा कुछ नहीं, बिगड़ा हुआ कुछ नहीं, हमारा कुछ नहीं होता है। इसीलिए उस व्यक्ति आए ना आए, हमारा कुछ भी नहीं होता अंतकरण में, क्योंकि उस व्यक्ति के प्रति हमारा संग नहीं हुआ, हम संगी नहीं है। तो जहां आसक्ति है, संग है, वहीं दुख है। तो आपके अंतर्मन में जब जब दुख होता है, एक दिन मानो कि शाम को प्रवचन में विवेक चुड़ामणि जो चल रहा है, यदि कोई नहीं आता उस दिन, कोई नहीं आया, 6:30, 7:15 कोई नहीं आया, यदि मेरे मन में दुख होता है, हालांकि वास्तव में सुख होता है तो ठीक है, नहीं वे, यदि दुख होता है, आज मेरा सुनने कोई नहीं आया, माने मैं आपके प्रति अटैच्ड हूं, सत्संग के प्रति मेरा संग हुआ, लोग मेरा सुने, ऐसे भाव है, इसीलिए दुख होता है। सूक्ष्म की बात है कि ना, जस्ट पकड़ लेना आप अंदर। कोई आपका बेटा फोन करना था आपको, फोन नहीं किया, दुख होता है कि नहीं? होता है। क्यों होता है? और स्वामी ने कहा मैं आपसे फोन करूंगा, फोन नहीं किया, अच्छा हुआ, कोई नहीं किया तो अच्छी बात है, पता नहीं क्या क्या बोलेगा फोन पे भी, विवेक शर्मा सुना देगा तो टाइम बर्बाद हो जाएगा, इसलिए अच्छा हुआ स्वामी जी ने फोन नहीं किया। आश्रम में कंस्ट्रक्शन भी हो रहा है, पता नहीं क्या पूछेगा। माने जिस व्यक्ति के प्रति आप संगी है, वहीं आपको दुख होता है अंतकरण में, क्योंकि स्पर्श वहीं होता है। स्पर्श वेरी सटल पॉइंट इट इज, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड। थोड़ा अंतकरण में चलन हुआ, मन में चलन आया, थोड़ा स्पंदन हुआ, मन को धक्का लगा, चंचल हुआ, माने आप अस्पर्श नहीं है। तो वही एव सगच्छति भवाम्भो देहे बारम,
वही इस भवसागर को पार करता है। कौन करता है? जो वैराग्यवान है, जिसके हाथ में वैराग्य रूपी खड्ग है। कोई मगरमच्छी मगर कोई कुछ नहीं करेगा उसको, कोई जल जंतु कुछ नहीं करेगा। ब्यूटिफुल स्टेट। सो प्रत्युह वर्जित। और कैसे जाओगे? जर्नी ऑल्सो मजा आएगा उसको। प्रत्युह वर्जित माने बाधाओं से रहित, नो ट्रबल्स एन रूट। भाई आपको, आप डायबिटीज है, आपको डायबिटिक है, डायबिटीज है समझो, आप किसी जगह पे खाने पे गए और आपको डायबिटीज है और स्वीट्स के प्रति बड़े लालसा बहुत है कि खाना है खाना है खाना है, आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, देखते ही मुंह से कान से भी पानी आ जाएगा शायद, पता नहीं। और आपको जहाँ पे खाना खाने गए हैं, करीब 500 वैरायटीज के स्वीट्स के द्वारा गुजर कर आपको आंध्र अचार मिलेगा खाने के लिए मानो जैसे कि मंदिरों में ही कर रहे हैं अभी बता, बेंगलुरु में इस्कॉन में जाओ, कहीं गए इस्कॉन मंदिर बेंगलुरु में, आपको ना फूड स्टॉल के अंदर पहले एक चक्कर कटवा देते हैं, आप लाइन ऐसे जाएगा, समोसा कचौरी मिर्च भज्जी क्या क्या, तो स्वाद भगवान के जाने से पहले इन सब के प्रति आ सकती। किसने देखा बेंगलुरु टेम्पल में? देखिए हाँ, मैं तो सही कह रहा हूँ ना, आपको दूर दूर से ज्यादा जाना पड़ेगा, माने पहले ही आपको आकर्षित कर रहे हैं, दर्शन के बाद तुरंत इधर ही आ जाओ, फिर क्या प्रॉब्लम है? ये दृष्टि भी गलत है ना, मंदिर में जाने योग्य पुरुषों को दर्शन के बाद कहीं लगाओ प्रसादशाला, वो भी जो मांगे उसके सब जाते समय ही है सब। आपको यदि 500 शुगर स्वीट मिठाइयों के द्वारा गुजरकर आपको अपना खाना मिलेगा, बिना चीनी वाले शक्कर वाले खा शक्कर वाला खाना, और उधर गुजरते समय आपको ये वैराग्य भाव आ गया है कि वैराग्य का अध्ययन कर रहे हैं अभ्यास कर रहे हैं, तो भी आपको लगता है कि गुलाब जाम खींच रहा है, आप सबसे युद्ध करना पड़ेगा, एक गुलाब जाम खींच रहा है, मैं गुलाब जाम को खाना नहीं है मुझे, क्योंकि मैं गुलाब जाम से परे हूँ, मेरा लक्ष्य आंध्र का अचार है जिसमें मीठा नहीं होते, मेरा वही खाना है, उससे बच के रहना है। ये संघर्ष हो रहा है कि नहीं? गुजर रहे हैं मगर संघर्ष करके जा रहे हैं, कदम कदम में संघर्ष। बड़ी मुश्किल से गुलाब जाम को वृत्तियों को पार किया, गुलाब जाम को पार किया, एक दो कदम के बाद वृत्ति को पार किया, जिलेबी तैयार हो गए आगे, उसे भी युद्ध करना पड़ेगा। माने सफर जो है ये आनंददायक नहीं है, क्यों? वैराग्य पूर्ण रूप से नहीं है, ये मजबूरी वैराग्य है। उदाहरण इसका कहते हैं इधर प्रच्छूह वर्जित है, माने संसार पार को करेगा, कैसे करेगा? कोई बाधाओं से नहीं, माने कोई बाधक नहीं है, जर्नी इज सो एंजॉयबल, लाइक डीएनडी हाईवे, नो व्हीकल ऑन द रोड, ओनली अवर व्हीकल, नो बाधा। तो वैराग्य की आवश्यकता, ठीक है? योग शास्त्र में बताया, कृष्ण भगवान कृष्ण गीता में भी बताया कि वैराग्य जरूरी है। अब देखिए, विषम विषय मार्गैर् गच्छतो नच्छ बुद्धेः,
प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विद्धि इतसुजन गुरुक्त्या गच्छत स्वस्य युक्त्या प्रभवति फलसिद्धिः सत्यमित्येव विद्धि विषम विषय मार्गैर्गच्छतो नच्च बुद्धे प्रतिपदमभियातो मृत्युरप्येष विषम विषय मार्गैः गच्छतः माने विषम विषय मार्ग विषय मार्ग माने विषय मार्ग है विषय मार्गों से गुजरना है जैसे मिठाइयों से गुजरना हो रहा है ये विषम मार्ग है विषम मार्ग माने अत्यंत कठिन मार्ग है उस कठिन मार्ग से जो जा रहा है जो चलता है गच्छतः कौन अनच्छ बुद्धे है माने मूर्ख वाला मंद बुद्धि वाले जो मंद बुद्धि वाले अत्यंत कठिन मार्ग से जो चल रहा है वो भी मंद बुद्धि वाला मंदबुद्धि वाला कौन है जिसमें वैराग्य नहीं है या कम है पूर्ण वैराग्य जिसमें नहीं है तो विषम विषय मार्ग के द्वारा जो गुजर रहा है ठीक है प्रतिपदम अभियातः प्रत्येक पदम में मृत्यु अभियातः कदम कदम में मृत्यु प्रहार करती है आक्रमण करती है खतरे से भरा है खतरों से भरा है यह मार्ग किसके लिए जिसमें वैराग्य नहीं है इसलिए योग वासिष्ठ में इत्यादियों में सावधान करते हैं कि डोंट टेस्ट योर वैराग्य विषय वस्तुओं से दूर रहो क्योंकि कौन सा विषय वस्तु कब आपको फंसाएगा पता नहीं तो इसलिए अपना बल दिखाओ मत विषय वस्तुओं के सामने मुझसे मैं तो पार हो गया हूं मुझे कुछ नहीं होता मुझे कोई बिगड़ता नहीं मैं तो ये विषय वस्तु कुछ नहीं करेगा ऐसा मत कहो कभी भी कोई भी विषय वस्तु किसी को भी मुज्जयति डुबा सकता है तो इसलिए कहा गया प्रतिपदम अभियातः हर प्रत्येक पद में मृत्यु मृत्यु का डर है ये विद्धि तुम जानो यह मार्ग जो है कठिन मार्ग है यू आर एक्चुअली गोइंग थ्रू ए लेन ऑफ अट्रैक्शंस जैसे कि आप हरिद्वार जाओ या कहीं मार्केट प्लेस जाओ शिमला में भी जाओ वहां पर भी एक स्ट्रीट होता है डाउनटाउन सब गांधी मार्ग महात्मा गांधी गांधी मार्ग सब मार्ग होता है सारे दुकानें होते हैं और उस दुकान उस आप गली के अंदर से गुजर कर उस तरफ जाना शिमला में जाओगे वहाँ पे कहीं वो पहाड़ी है तो वापस आना पड़ेगा फिर तो आज जाते समय टेम्प्ट नहीं हुआ तो वापस ही आते समय विल बी टेम्प्ट नहीं नहीं गुजर के हो गया फिर वापस लौटना पड़ेगा इसी मार्ग से आपको क्या क्या चीज आकर्षित करता है बताइए बिना खरीदे बिना कुछ ना कुछ प्रत्येक दुकान के सामने अरे भाई आप यात्रा के लिए आते हैं स्पिरिचुअल कैंप में भी आते हैं एक दिन कैंप में भी हमारी मजबूरी है शॉपिंग के लिए लगाना पड़ेगा समय निकालना पड़ेगा शॉपिंग डे क्या सुनने गए मांडुक्य उपनिषद कैंप मांडुक्य उपनिषद पर है मगर एक दिन शॉपिंग तो झगड़ा करते हैं आचार्य से
हाँ घूमने घूमने देना है, खरीदना है हमको, क्या बकवास कर रहे हैं आप? आपको सुनने क्यों थोड़ी आए हैं हम? यहाँ जो सुंदर दृश्य है ये देखने के लिए आए हैं। मैं सच कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? नहीं समझ, हमें कुछ नहीं चाहिए, शॉपिंग नहीं चाहिए, शॉपिंग अमाउंट जीरो, बजट जीरो, कुछ भी नहीं चाहिए एक्सेप्ट किताब आप जो पढ़ाते हैं ना वो किताब दे दो, बस काफी है। नहीं हो सकता, इसलिए प्रतिपदम। तो प्रतिपदम प्रतिपदम प्रत्यम प्रत्येक पद पर कदम पर मृत्यु का तांडव होता है, विषय वस्तुओं का प्रलोभ, प्रलोभन में हम पढ़ सकते हैं। मृत्युरप्येश विद्धि, फिर क्या करना है? हित सुजन गुरुत्या, जो हितैषी एवं सुजान गुरु, अच्छे तरह से जो जान लिया जो गुरु है, हितैषी सुजान ज्ञानी जो गुरु, उक्त्या गच्छतः, गुरु कहते हैं जाते समय चौथा दुकान होता है वहाँ पे मत देखो, बोलने से चौथा दुकान को और देखता है ये, तो गुरु ऐसा नहीं कहेगा। गुरु क्या कहता है? आंख बंद करके गुजरो, अंधा करके जाओ, कोई ना कोई मदद देगा, पार कर देता है, नाटक करो ऐसा। तुम स्वामी जी मत, मेरे को ना बहुत सारे ऐसा प्रलोभ करते हैं इसीलिए आंख बंद करके चलो। नहीं नहीं चलना कैसा? शुरुआत में बोलो मैं अंधा हूँ, कोई आए पारा कर लो, कोई आके पार कर देगा आपको, गली पार कर लोगे फिर आंख खोलो पार हो गया। उदाहरण में दे रहा हूँ, ऐसे कि अंधा नहीं पार कर सकता, ये नाटक करो तुमको इतना इच्छा तो ये फिर ये योजना बनाओ। तो हिते गुरु कहता है कि इस मार्ग पर कैसे चलना। आदेश देता है शिष्य को गुरु, देखिए गुरु स्थूल रूप में हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, गुरु आदेश दे सकता है आपको। अंतर्वाणी, अंतर्वाणी माने वॉइस ऑफ साइलेंस, अंदर से जो आवाज आता है वो आवाज आपको अंदर से, हर बारी आवाज को मानना नहीं, हर बारी आवाज अहंकार का होता है, इसीलिए इसके विवेक करना बहुत मुश्किल है, इसलिए शास्त्र का प्रमाण लेकर के चलना है करके शास्त्र कहती है। क्योंकि अंतर्वाणी के ऊपर भरोसा रख कर जाओगे आप, वो भगवान का आवाज है या अहंकार का है आपको पता नहीं लगता, इसलिए बार बार अंतर्वाणी के ऊपर मेरा अंदर आवाणी आती है, अंदर जो बोलता मैं सुनता हूँ, गड़बड़ बात है। इसलिए शास्त्र को पकड़ो, गुरु को पकड़ो बाहर से, वो श्रेष्ठ है, वो सेफ है। इसीलिए गुरु उक्त्या हितजन हित सुजन गुरु उक्त्या गच्छतः, और जाते समय स्वस्य युक्त्या, अपना भी जरा बुद्धि लगाओ, युक्ति लगा कर जाओ। गुरु ने कहा एक शिष्य से, गो एंड गेट सम प्लेन नाइस लुकिंग ट्रंक ऑफ द ट्री फॉर कंस्ट्रक्शन एन आश्रम हाउस, सो दैट वी कैन ऑन दैट वी कैन एरेक्ट द टैचड हट, लेके आओ। तो गुरु के आदेश के अनुसार शिष्य गया, तो ढूंढ ढूंढ के ब्रॉट प्लांटेन ट्री का जो होता है ना ट्रंक, जड़ जड़न है वो, मूल स्कंद, वो लेके आया। कोई गुरु आपने क्या कहा? सुंदर दिखना है, नाजुक होना है, अच्छा दिखना है, यही अच्छा है, सुंदर है, इसके ऊपर आप खड़ा कर दो घर। नहीं, गुरु ने जो दिया है इसके बाद अपने बुद्धि भी लगाना है, स्वस्य युक्तिया। आप भी सोचो इसके ऊपर घर खड़ा कर सकता है क्या, छत डाल सकता है क्या, कोई सपोर्ट कर सकता है क्या? स्वस्य युक्तिया,
सब कुछ गुरु नहीं कर सकता, आपको कई बार अपना दिमाग लगाना पड़ता है। ठीक है, स्वस्य युक्त्या प्रभवति, प्रभवति क्या, फल सिद्धि ही प्रभवति। ऐसे जाने से गुरु के वचन स्वस्य युक्ति के द्वारा आप लक्ष्य के पास जा सकते हैं, फल सिद्धि मिलती है। सत्यमिति एव विद्धि, ये सत्य है, ये बात मैं जो कह रहा हूँ ये सच है, ऐसा जानो। क्या सच है? विषम विषय मार्गो गच्छतः अनच्च वृद्धे, अनच्च बुद्धे है प्रतिपदम अभियातः मृत्युरप्येष विद्धि। कदम कदम में मृत्यु होती है मूर्ख के लिए, वैराग्य विहीन के लिए। इसलिए गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त करो, गुरु का वचन सुन लो, फिर बाद में आगे बढ़ो। गुरु के वचन सुनो और आगे बढ़ो, आपको फल मिलेगा। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।